हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय स्ट्रोक डायरी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक क्रोनिक डिजीज है, तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते रहते हैं वो काफ़ी सारे रिवाइवल सेंटर का टच में आते हैं। तो हम भी एक आज रिवाइवल सेंटर में आए हैं, न्यूरो रिवाइवल सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। अभी हम हैं हैदराबाद हाईटेक सिटी में, तो इसका लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो किसी भी रिवाइवल सेंटर के बारे में सुनता है तो सबसे पहली बात रहता है कि हमको किस तरह से वहाँ जाने के लिए प्रिपरेशन होना पड़ता है, क्या क्या चीज़ लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट कितना है। तो सारा कुछ चीज़ के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है बताएंगे। और यहाँ पे जो है ये पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊपर में हम बैक कैमरा करके पूरा दिखाएंगे। तो ऊपर में बेसिकली रहने का है और नीचे फ्लोर में ट्रीटमेंट चलता है, और जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है वो आ नहीं पाते नीचे तक, व्हील चेयर में भी बैठ नहीं पाते, उनको इन हाउस सर्विस भी अवेलेबल है। और इमरजेंसी सर्विस में इनका एम्बुलेंस है, और ऑन कॉल आपको एक्सरे, ईसीजी, ये सब फैसिलिटी मिल जाएंगे। पैथोलॉजी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और फार्मेसी यहाँ का इन हाउस है उनका, तो जो भी आपको इमरजेंसी मेडिसिन का ज़रूरत है वो भी मिल जाएंगे। अभी हम दिखाएंगे किस तरह से इसका मतलब अंदर में फैसिलिटी है, और रूम भी दिखाएंगे, रूम में किस तरह से उनसे फैसिलिटी मिलता है, और ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आ पाएँ, क्या क्या चीज़ को आपका ज़रूरत है। और खाना जो है यहाँ पे मिलता है, और खाना अगर मैं भी किसी को एडजस्ट करने में दिक्कत होता है तो फिर आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हम लोग उड़ीसा से हैं तो हमको थोड़ा यहाँ का खाना में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रहा था, तो हम खुद हम लोग कुक भी कर रहे थे, किस तरह से क्या कुक कर रहे हैं वो भी हम दिखाएँगे। और ठीक है, बाकी जाके रूम में क्या क्या फैसिलिटी है वो दिखाते हैं। एंट्रेंस है उसका, ये फार्मेसी है, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे शास्त्री जी बैठते हैं। और ये उसका ट्रीटमेंट सेंटर है, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, बेड है और फिजियोथेरेपी का इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा कुछ है। ये टिल्टिंग बेड है जिसमें जो खड़े नहीं हो पाते उनको यहाँ पे बेड के थ्रू खड़ा, बेड सपोर्ट के थ्रू खड़ा कराया जाता है। और काफ़ी सारा ये है, सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो बता नहीं सकते, जस्ट आप एक तो बेसिक आइडिया ले लीजिए। और जो ट्रीटमेंट रहता है इसका, बेसिक ट्रीटमेंट होता है एक्यूपंचर का, और फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट मिलता है, स्ट्रीम सेल का ट्रीटमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर आपको मिल जाएंगे, और शास्त्री सर का जो स्पेशल है NIBS ब्रेन स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जो न्यूरो डिसऑर्डर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे लिप फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो रहता है बहुत आदमी चल नहीं पाते, तो उनके लिए लिफ्ट काफ़ी हेल्पफुल है, स्टेयरकेस भी है, तो लिफ्ट फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है। और वाटर फिल्टर है, ये पानी जा रहा है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, साफ़ सफाई चल रहा है इधर। और ये देखिए वाटर फिल्टर है, उसमें ठंडा गर्म नॉर्मल पानी अवेलेबल है, व्हील चेयर भी मिल जाएंगे आपको, व्हील चेयर लेके आने की ज़रूरत है नहीं, लगभग सभी पेशेंट के लिए व्हील चेयर मिल जाएंगे। और रूम पे भी दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे ये कबर्ड है, यहाँ पे जो भी सामान आपको रखना है रख सकते हैं, मेरा सामान सब बिखरा पड़ा है, ये देख लीजिए कबर्ड। और ये सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे है फील कराएं, तो पेशेंट के लिए अलग से बेड है, अटेंडिंग के लिए एक तो किंग साइज़ का बेड है,
यहाँ पे दो आदमी आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज अवेलेबल है, एक तो आपको टेबल मिलेगा जहाँ पे कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक कैटली लेके आए, वहाँ पे खाना वाना बन जाता है, सब्जी जो भी है। और है फैसिलिटी एसी है, और टीवी भी है ताकि पेशेंट बोर ना हो। वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, और सब वॉशिंग के लिए यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन है, रूफ टॉप में है, जो भी है आपका आप वॉशिंग कर सकते हैं कपड़े वगैरह। और सबसे बड़ी बात है बाथरूम कैसा है, तो आप कैसे लेके जाएंगे, थोड़ा बाथरूम का भी दिखा देते हैं। ये हो गया उसका बाथरूम। अगर पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल है, आप व्हील चेयर से भी उनको बाथरूम के अंदर ले सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है बाथरूम। और रहा कि कॉस्टिंग का बात, कॉस्टिंग इसमें लगभग आते हैं अप्रोक्स, अगर अटेंडिंग का खाना पीना मिला के अप्रोक्स 1 लाख समझ लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।